गणगौर व्रत। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती जी ने शंकर जी से सौभाग्यवत रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती जी ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। विधि: पूजा के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। गणगौर व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उस रस को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गयी। स्नान के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके दो कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसलिए आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे दो दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल दिखाई नहीं दिया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी, नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब तो पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह तो सब आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।